और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है सिर्फ एक पत्थर पे लिखा हुआ है। तो अभी जो है हम अंदर जा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये है उर्तुल गाजी, उनकी कब्र, ये देख लीजिए। इधर सबसे वे कोनूर अल्प के बारे में तो आपको पता होगा, जो आप देख रहे हो गुंदोज बे, इनका तो आपको पता ही है, अब्दुल रहमान गाजी। ये देखिए विकेट नहीं है, ये चीज़ है, देखता हूँ यहाँ की मैं टोपी का रेट पता करता हूँ। सिस्टर व्हाट प्राइस 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 मनी कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर, तो फाइनली मैं हूँ इसमें सौगत में, यानी सौगत में। और आज का जो ब्लॉग है ना, ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ से जो मैं नज़ारा दिखाने वाला हूँ ना आपका, आप भी बहुत खुश हो जाओगे। मैं इससे मैं अपने रूम में हूँ, रूम का तो व्यू दिखाऊंगा, बट इससे पहले जो मैं सामने का व्यू दिखाने वाला हूँ ना आपको, बहुत अमेजिंग है। ये सामने देख रहे हैं ना, ये देखिए फ्लैग, ये टर्की का है, साथ में आप जो देख सकते हैं ये है उर्तुगरुल गाजी। जी हाँ दोस्तों, मैं जो खड़ा हूँ ना इस समय उर्तुगरुल गाजी का, जहाँ पर मकबरा है, उनका मज़ार है, उसके पास ही है, मतलब हमारा होटल ना मुझसे सब 50 मीटर भी नहीं है। सामने उर्तुगरुल गाजी की मज़ार है और जस्ट मेरा होटल है। और आज का जो व्लॉग है ना, बहुत स्पेशल होने वाला है। आपको पता है पिछले लगभग 2-3 साल से, जब से मैंने उर्तुगरुल गाजी जो टर्किश ड्रामा देखना शुरू किया था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और मुझे लगता था कि यार कभी मौका मिला तो मैं टर्की जाऊंगा और इस जगह को जो है एक्सप्लोर करूंगा। और फाइनली आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद वो मेरा सपना पूरा हो पाया और मैं यहाँ आ गया। तो रात जो आए थे हम, एक्चुअली हम रात ही आ गए थे सौगत को बुरसा से। बुरसा जो है वो ओटोमन एम्पायर यानी उस्मान गाजी की वहाँ पर मज़ार है, और बुरसा से ये जो है 120 किलोमीटर है सौगत, और बुरसा के मुकाबले छोटा है ये एरिया, छोटा है। बट रात आए थे हम, तो रात तो अंधेरा हो गया था, फिर हमने ये वाला होटल किया, तो इस होटल का मैं व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद जो हम आपको नीचे चलते हैं, तो ब्लॉग को लेकर शुरू करते हैं। तो ये हमारा होटल है, ये होटल हमने रात किया था और ये हमने ऑनलाइन नहीं किया। ये जैद भाई, जैद भाई कैसे हो आप? जी बढ़िया। होटल कैसा है, पसंद आया? होटल तो काफी अच्छा था, हर चीज थी। हाँ। और रात में मतलब हीटर भी ऑन था, ठंड तो लगी भी नहीं। तो 2 लोगों के हिसाब से ये हमने होटल लिया, और पता है कितना सस्ता मिला, ये हमें मात्र जो है 500 लीरा में पड़ा। हमने उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उर्तुगरुल गाजी की मज़ार बिल्कुल बराबर में 50 मीटर नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादा होटल है नहीं। सर्च कर रहे थे तो गूगल पे 1-2 होटल दिखा रहे थे यहाँ के, रात हमें 9 बज गए थे आते आते, तो हमें ये लग रहा था कम से कम 1000 लीरा तो मांगेगा, ज़्यादा ही मांगेगा क्योंकि बराबर में मज़ार है। बट 3-स्टार होटल है, होटल भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इन्होंने के बाद हमसे 500, पहले 600 मांग रहे थे, एक बंदे के 300 लीरा, 2 बंदे के 600 लीरा, फिर हमने जब कन्वेंस किया कि अभी आर स्टूडेंट, तो फिर 500 लीरा पे जो एग्री हो गए। तो ये होटल है हमारा, और सब कुछ सुविधाएं बढ़िया हैं, और पानी उनी भी हमें अच्छा खासा मिल गया था, बाथरूम भी अच्छा खासा है। और चलो एक बार मैं बाथरूम का व्यू दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप आओ तो कोई परेशानी ना हो। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अभी जो हम जा रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं, और पास में ही है व्यू, होटल भी मुझे देखो बहुत अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी जो लोकेशन है उर्तुगरुल गाजी की है, ये देखो यहाँ पर उनकी लैंड वगैरह सब कुछ यहीं पर हुआ करता था, ये देखो, और आज भी है। और यहाँ पर आप जगह जगह पे ना आपको उर्तुगरुल गाजी की जो जगह चिन्हित है वो जगह मिल जाएगी आपको। तो अभी हम नीचे आ गए, ये रिसेप्शन है सामने ना, इस पर उर्तुगरुल गाजी ने जो कहा वो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, शायद ये तो शायद टर्की में लिखा हुआ होगा। ये देखिए, ये उर्तुगरुल गाजी इन्हीं की कॉल है खुद की, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अभी हमने चेकआउट कर दिया है, और अभी जो हम जाने वाले हैं वो चलने वाले हैं उर्तुगरुल गाजी मज़ार। और बाहर का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। इस समय जो टाइम हो रहा है ना, वो 8:30 बज रहे हैं, और मैं बाहर आ गया। रात ना काफ़ी ठंड सी थी, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने जब वर्सा से सौगत के लिए टैक्सी की थी ना, एक तरह से हमारा स्कैम हो गया था। तो अगर अभी आ रहे हैं ना, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर स्कैम बहुत होता है। मतलब पहली तय करने के बाद 1300 हमारी बात हुई थी, 1300 लीरा में, उसके बाद भी उसने आकर हमसे 1600 लीरा मांगे, तो इस स्कैम से बचे। बाकी ये हमें होटल बहुत अच्छा लगा, ये नामली होटल, ये होटल है जो बिल्कुल पास में ही है, जो हमें मात्र 500 लीरा में मिल गया। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये पूरी पार्किंग है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत भीड़ है, सबसे पहले मैं बोर्ड दिखाता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है उर्तुगरुल गाजी। हम ना जल्दी आ गए, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई है नहीं इस समय, सुबह सुबह मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है
औरतुल गाजी का। तो दोस्तों इस समय 12 बज चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर कोई था नहीं, गार्ड वगैरह भी नहीं आए थे और सामने हम अपने होटल में स्टे कर रहे थे, आराम कर रहे थे। यहाँ पर ना काफी देखो भीड़ लगी हुई है और मतलब यहाँ पर पॉइंट भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये है दोसा फकीर, ये जो है एक्चुअल में जो तुम्हारी उस्मान गाजी है उनके साड़ू हैं, यानी जो शेख अहमद अली हैं उनके दामाद। और यहाँ पर ये स्कूल है उन्हीं के नाम से बना हुआ और बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर ये है। अगर मैं इस साइड की बात करूँ ना, ये पूरा का पूरा देखो एक तरह से कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, ओपन कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो। तो अभी जो हम जा रहे हैं, ये देखो कई सारे पॉइंट है इधर जाने के, बट अभी हम जो है यहाँ से अंदर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है सिर्फ एक पत्थर पर लिखा हुआ है, मतलब सिंगल पत्थर है ये और ज्वाइंट नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। 12 बजे के आसपास भी ना यहाँ जब लोग आने शुरू हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्राउड है नहीं, ठीक है, यहाँ से जो है हम अंदर जा रहे हैं। औरतुगल गाजी ग्रेव, औरतुगल गाजी ने क्या बोला है, उनकी उनकी जो है कॉल को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, यानी उनका मैसेज क्या है यहाँ से आप पढ़ सकते हो। बट ये लैंग्वेज टर्की है तो इसलिए समझ में आ नहीं रहा, ट्रांसलेट आप कर सकते हो, ये देखिए। और ये पे देखोगे ये है हालिमा हातुन, ये देखिए उनका यहाँ पर जो है ये दे रखी है हालिमा हातुन, ये उनकी कब्र है। उसके बाद जाते हैं हम उगलू, ये शायद कोई दूसरी है, ये देखिए। और औरतुगल गाजी, अभी जो हम जा रहे हैं ये अंदर जाने का रास्ता है जिससे हम जो है अंदर जाएंगे। तो अभी हम जो है अंदर जा रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, इस जगह में ना बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं। और अभी चलो हम अंदर चलते हैं। तो अभी जो है हम अंदर जा रहे हैं। तो अभी जो है हम अंदर जा रहे हैं, सॉरी। तो ये हैं औरतुगल गाजी। तो ये आप देख सकते हैं ये है औरतुगल गाजी, उनकी कब्र ये देख लीजिए। और अभी मैं अंदर ही हूँ। भाई मैं बाहर आ गया और ये जो है कमांडर है, अंदर जो है उस्मान गाजी उनकी ग्रेव है। और अभी जो हम चल रहे हैं बाहर चल रहे हैं। तो भाई मैं अभी बाहर आ गया और अंदर आपने देखी थी औरतुगल गाजी उनकी ग्रेव देखी थी आपने, और बाहर जो है वो कमांडर खड़े हैं और जो उनकी ड्यूटी होती है वो चेंज भी होते रहते हैं। पहले तो यहाँ परेड भी होती थी लेकिन कुछ समय से परेड बंद है। तो मैंने आपको औरतुगल गाजी उनकी ग्रेव दिखाई, अब और जो यहाँ पर उनके साथी थे उनकी भी मैं ग्रेव दिखाता हूँ आपको। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर बहुत सारी ग्रेव हैं, मैं दिखाता हूँ। इसमें इसमें जो है औरतुगल गाजी है। ये देखो साहब से वे जो बोलते हैं, तरह से भाई को बोलते हैं। ये आपको पता हुआ ये कौन थे? आई थिंक दुनदार के मतलब ये उनके भतीजे थे आई थिंक, मेरे सबसे औरतुगल गाजी के आई थिंक, या तो औरतुगल गाजी के या उस्मान गाजी के, आप मुझे ज़रूर बताइए। साहब जी का मुझे पता तो है लेकिन ये पता नहीं है कि ये भतीजे किन के थे। यहाँ पर ये देखिए, और कोनूर अल्प के बारे में तो आपको पता होगा। ये देखिए ये तुर्गुत अल्प जो है ना, ये एक इनकी असली वाली जो है कब्र नहीं है, असली वाली जो है वो
इंगोल में है, इनिगोल में है वहाँ पर, जो लगभग बुरसा से 20 किलोमीटर बाद में है। ये जो आप देख रहे हो गुंदोजबे, इनका तो आपको पता ही है। और ये इधर देखेंगे, ये है अब्दुल रहमान गाजी, ये देखिए। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको और भी बहुत सारी हैं, यहाँ पर है सालतुक अल्प। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यह है कारदेसी दुंदार वे, ये तो आपको पता होगा, कारदेसी बोलते हैं भाई को। तो समसा के बस, ये भी देखिए, और भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो है बहुत सारी कब्र हैं, ये देखो, ये है एक और आगे है एक, ये आप देखिए। तो यहाँ पर ना बहुत सारी कब्रें हैं, जैसा कि मुझे तुरगुत का तो बताया, तुरगुत बेगा, कि उनकी ओरिजिनल कब्र बाहर है। तो हो सकता है कि हाँ यहाँ पर और सारी कब्रें भी ऐसी हों जो यहाँ पर आर्टिफिशियल बनाई गई हों और रियल में कहीं और हो। बट एक बात तो तय है, यहाँ किसी कब्र हो ना हो, बट कुर्दुगलु की तो बिल्कुल भी नहीं है, कुर्दुगलु की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी ये मैंने बहुत सारी दिखाई आपको, और भी कुछ कब्रें हैं जो मैं दिखाता हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा, उर्तुगुल गाजी के बारे में तो आपको पता ही है कि उनका कबीला यहाँ आया था 40 फैमिली के साथ, वो यहाँ आए थे सोगोत में, यहाँ रहे थे। उनके फादर का जो नाम था सुलेमान शाह था। और आपको पता है गाजी कैसा बोला जाता है, गाजी को मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया था, वो कहते हैं कि जो मतलब अपनी मौत मरते हैं, यानी उन्हें कोई शहीद नहीं कर पाया हो, ऐसा किसी बहुत सारे लोगों ने बताया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बहुत सारी फतह हासिल कर लेते हैं, तो आप मुझे क्लियर तरीके से बताओ कि इसका गाजी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो अभी और भी बहुत सारी यहाँ पर जो है कब्रें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा वो है, तो यहाँ पर है आयकुत अल्प, और एक और है यहाँ पर, और एक ही नहीं है, कई सारी हैं। ये जो है हसन अल्प है, और उधर भी हैं दो तीन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हुआ क्या था, ये जब हम सुबह आए थे ना, तो ये उस समय ओपन नहीं हुआ था, और मेरे हिसाब से आई थिंक 10 बजे ये ओपन हो जाता है। तो अभी मैं और यहाँ पर जो है कुछ कब्रें और हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरी जगह। यहाँ पर दे रखी है अख्तैमूर, ये देखिए अख्तैमूर, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पर है हामिद बे, और इसके बाद यहाँ पर है ये सारी बाती, ये है कोबन बे। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर जितने लोगों के नाम मेंशन है, तो ये तो है कि वो खास होंगे, क्योंकि हमने जो देखा था वामसी बे का देखा था, तो वामसी बे के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो है फिक्शन कैरेक्टर है, कुछ लोग रियल कहते हैं क्योंकि उनकी कब्र का पता नहीं है। अब जैसे तुरगुत का तो पता है, सबको पता है, साथ में एक और रहते थे उनके, नाम ध्यान नहीं है उनका, और उर्तुगल गाजी का भी सबका पता है। और तो जितने भी कैरेक्टर दिखाए हैं उर्तुगल गाजी सीरियल में और उस्मान गाजी में, वो लगभग जो जो नाम मेंशन है ज़्यादातर, वो यहाँ पर मौजूद है। उसमें से कुछ रियल हैं, कुछ ऐसे बताए जाते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ और मेंशन है जो आप देख सकते हो। ये आप देख लीजिए, और ये कुछ लिखा हुआ है उर्तुगल गाजी, उनकी कॉल थी जो उन्होंने लिखा था ये। अब यहाँ पर दो तीन और हैं, मैं वो दिखा देता हूँ कि वो एक्चुअल में किन के कब्र हैं। देखो ये है एमर अली, ये उनकी आप देख रहे हैं, और ये कारा मुरसेल, ये है, और ये है मैलिक बे। ये मैंने आपको जो है कब्रिस्तान दिखाए और उसमें कुछ कब्र दिखाए। जैसे कि मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि जैसे तुरगुत बे की ओरिजिनल कब्र जो वहाँ पर है, इसी तरीके से शायद कुछ कब्रें और होंगी यहाँ जो एक तरीके से आर्टिफिशियल होंगी, जो उनकी ओरिजिनल कहीं और होंगी। तो ये का पूरा जो है इनका जो है तुम्हारे की एक तरीके से आप कैंपस कह सकते हो। और कब्रिस्तान से जैसे आप बाहर निकलोगे तो सामने आपको यहाँ पर मार्केट दिखाई देगी, सेम इस तरीके से जैसे हानली मार्केट थी। तो यहाँ पर भी जो है काई झंडा है और जो बेपन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेपन है ना वो ओरिजिनल है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है। ये चीज़ है, देखता हूँ, नहीं
ये तो खैर डुप्लीकेट है, लेकिन जो वाली मार्केट में थे वो ओरिजिनल थे। ये तो बच्चों के लिए हैं, ये सब बच्चों के लिए हैं, ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। यहाँ की मैं टोपी का रेट पता करता हूँ सिस्टर, बट प्राइस 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 मनी हंड्रेड। ओके, यहाँ पर इन्होंने जो बताया है वो 100 लीरा बताया है इसका, जबकि हाली मार्केट में गए थे तो वहाँ पर एक जगह 65 लीरा, एक जगह 80 लीरा, एक जगह 100 लीरा। तो रेट में काफ़ी यहाँ पर जो है उतार चढ़ाव है, यानी मोल भाव बहुत करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। अब यहाँ से अभी आगे और देख रहे हैं हम, यहाँ पर टी शर्ट का रेट और पता करते हैं कि टी शर्ट का रेट क्या है, क्योंकि वहाँ जो हमने पता किया था तो इस टी शर्ट का रेट हम पता करते हैं कितने का है। तो टी शर्ट का जो प्राइस है वो 95 लीरा है, जैसे कि क्या ना रेट वहाँ अलग थे यहाँ अलग है, रेट में तो काफ़ी आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो। और अंदर एक ऐसी मार्केट है जो सेम बनी हुई है, बट यहाँ पर आर्टिफिशियल वेपन है, वहाँ पर रियल वेपन थे। ये आर्टिफिशियल है ना, ये वाले ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ओके सर, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका लास्ट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर स्टेडियम भी है, देखो जहाँ बच्चे रनिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखिए ये बच्चे रनिंग कर रहे हैं, और इधर जो है पार्क है जहाँ बच्चे देखो खेल रहे हैं, इधर कैफेटेरिया है जो आप देख सकते हो, इधर जो है ये कॉम्प्लेक्स यानी मस्जिद है, ये वाली देख लीजिए जो नई बनी है, और ये धीरे धीरे आप ये देख सकते हो यहाँ का व्यू। और सामने जो देखोगे ना एक, ये जो देखोगे ये पानी पीने के लिए जो होता है ना उर्तुगल गाजी के नाम से, उनके नाम से बना हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, तो ये जो जगह है ना काफ़ी खुली जगह है, और यहाँ से ये देखिए यहाँ भी पानी पीने के लिए है। और ओवरऑल अभी हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करने वाला हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हो सामने पानी पीने के लिए है, जगह जगह पर पानी पीने के लिए लगा रखा है, और उस्मान गाजी नाम से लगा रखा है। ये काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने स्टेडियम सा जो है, ये आप देख लीजिए। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ओटमन एम्पायर वाली जो सीरीज़ है पूरी, स्पेशली उर्तुगल गाजी उस्मान गाजी की जो सीरीज़ है मैंने बना दी है, उसे आप देखें। प्लेलिस्ट में भी अलग से मैंने मेंशन कर दिया है, टर्की से अलावा मेंशन कर दिया है, इस आप सीरीज़ को देख सकते हैं। और चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो Facebook का पेज है हमारा अरबाज ब्लॉग के नाम से, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube पर चैनल हमारा अरबाज ब्लॉग के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। Instagram पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़।